गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2020 इसके विषय में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता होगा कि आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि गैलेक्सी की तरफ से आप लोग अपने घरों में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करिए और कोविड के दौर में अपने आप को स्वस्थ रखिए। इसके साथ ही साथ गैलेक्सी ने आप लोगों के लिए तेजस और रफ्तार नाम से दो बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें जो आपका तेजस होगा वो आपके जीएस ऑनलाइन बैच से संबंधित है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में जीएस सब्जेक्ट को लेकर के दिक्कतें होती हैं। आरआरबी में खास तौर से जीएस वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉड किया जाता है, उसमें जो क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा रख दिया गया है। सिलेबस में डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, लेकिन सिलेबस को डाइवर्सिफाइड करके रखा गया है। तो जो जीएस ऑनलाइन बैच है और रफ्तार एक्सप्रेस के नाम से जो हमारा 50 मॉक टेस्ट का आयोजन होगा, उस इनकी सबकी शुरुआत 14 सितंबर से होगी और इसका टाइम जो रहेगा वो 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में रहेगा। 14 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पे आपको दोनों तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक तो आपका जीएस स्पेशल ऑनलाइन बैच से आपका जीएस तैयार होगा और साथ में जब आप रफ्तार के थ्रू अपना टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। कम समय में जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो दिसंबर में होने वाला है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं तो आरआरबी में आपके सामने नोटिस में आ रहा होगा कि एनटीपीसी का बैच लेने पे ज्वाइन करने पे क्या प्रोसीजर है या टेस्ट सीरीज का क्या है या कॉम्बो पैक के लिए गैलेक्सी ने क्या अरेंजमेंट कर रखा है। तो हम तो स्टूडेंट आप लोगों से यही कहेंगे कि ये आप कतई ना सोचे कि समय आपके पास कम है, समय जितना है उतना आपके लिए पर्याप्त है, बस जरूरत आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने की है। जब आप दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा जानेंगे तो सफलता तो सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज के लिए तो स्टूडेंट हम यही कहेंगे कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और जो भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कॉल करके जो आपको दिए गए नंबर हैं उन पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब हम लोग एनटीपीसी में जैसा कि हम कह रहे थे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और सिलेबस को किस तरीके से डाइवर्सिफाइड किया गया, यानी आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक उठा करके हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने के पहले थोड़ा हम जरूर आपसे डिस्कस कर देंगे कि जब हम जीएस की बात करते हैं तो जैसे कोई भी एग्जाम जब हमारा वनडे एग्जाम होता है तो उसमें जीएस पूछा जाता है। यहाँ पे जीएस के साथ साथ में जो आपके नोटिफिकेशन में आया है वो जनरल अवेयरनेस की बात कही गई है, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता की बात कही गई है। जब हम सामान्य जागरूकता की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है बल्कि हमें उसके की पॉइंट्स को तैयार करना होगा। जैसा कि हम बात करें जो हमारा जीए वाला पोर्शन है उसमें आपका मोटे तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री, सम टॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, इस तरीके से। और इसके अलावा कुछ हमारा स्टैटिक जीएस भी आता है जिसमें आरआरबी के बारे में पूछ लिया जाता है कि रेलवे के विषय में कुछ हमें और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तो अलग अलग समय पे रेलवे से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ मिसलिनियस में कई सारी चीजें आ जाती हैं, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहां से भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से भी जो इसके सब टॉपिक हैं जिनमें से सब टॉपिक में कुछ ही पार्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमें पढ़ना है। एग्जाम की शुरुआत में फिर से मैं आपको कह दें कि किसी भी परीक्षा को जब हम बेस बना करके तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपने बताया कि हमारे पास में 2 महीने का समय है या 3 महीने का समय है और इसके आधार पर जब आप तैयारी करते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान करिएगा कि जो आपका सिलेबस दिया गया है इसी के इर्द गिर्द ही अपनी तैयारी का स्तर रखिए।
क्योंकि हमें क्या क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये हम हमेशा से कहते आए हैं। तो यहां पे जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो फैक्चुअल होगा, फैक्ट पर बेस्ड होगा। फैक्ट को हम क्या कहते हैं, तथ्य या सूचना। ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल आते हैं, फैक्ट बेस पर आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आपको आता तो ठीक है, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाइए। जीएस पे आरआरबी में सबसे ज्यादा हम फोकस इस बात पे के लिए भी करते हैं कि यदि आपके जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट और सेकंड, यानी उसको हम प्रिलिमिनरी और मेंस भी कह सकते हैं, कि जो पहले चरण का टेस्ट होगा वहां पे जो आपके क्वेश्चन 40 आएंगे, दूसरे चरण में जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो जीएस में खास बात यह रहती है कि जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं इनको करने में आपका टाइम बहुत कम लगता है। यानी आप जितना कम से कम समय में अपने जीएस के पोर्शन को कर लेंगे उतना ही ज्यादा समय आपको जो बाकी आपके सब्जेक्ट हैं वो रीजनिंग और मैथ उनको पूरा करने में रहेगा। यानी यहां पे जो आपका समय बचेगा इस टाइम का इस्तेमाल आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कम समय में जीएस को यदि हम मजबूत बनाते हैं तो इससे आपकी रैंक बेहतर हो सकती है, आप इसका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम बेहतर तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। और जब हम आरआरबी के सेकंड स्टेज में एनटीपीसी के सेकंड स्टेज का भी जब एग्जाम देंगे तो यहां पर जो चीजें आपने तैयार की हैं यही चीजें आपकी वहां पे भी काम आती हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि जीएस या जीए में सबसे ज्यादा हमें जो फोकस करना है वो फैक्ट पे करना है, लेकिन केवल फैक्ट याद करने से आप फैक्ट याद नहीं कर सकते। फैक्ट याद करने की भी एक हमारी लिमिट होती है, 1000, 2000, 4000, 10000 कितने ज्यादा फैक्ट आप याद करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपका पता होगा तभी आप फैक्ट को बेहतर तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो केवल आपको फैक्ट पे नहीं जाना है, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जाना है, लेकिन क्वेश्चन आपका हमेशा फैक्ट पे आधारित होगा और फैक्ट बिना कॉन्सेप्ट के हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट हमारी ये कोशिश रहेगी कि पूरी गैलेक्सी ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से सभी लोग जो भी फैकल्टीज हैं वो लोग अपना योगदान देते हुए आपको कम समय में कैसे आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर कराई जाए जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें और सफल हो सकें, इसी के लिए एक हम लोगों का एक प्रयास रहेगा। तो आज जिन लोगों ने आरआरबी को जिनको एग्जाम देना है तो उनसे हमारा यही कहना है कि वो आज फिर से एक बार जाकर अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देखें। सिलेबस देखने के साथ साथ में तब आगे से उनको और भी बातें हमारी समझ में आएंगी। आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे आपको ये दिखाने के लिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और उन क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो उसको हम कैसे तैयार करें। और जब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ में हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन के एक आंसर होंगे लेकिन एक आंसर से जुड़ी हुई कई सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। इसका अर्थ ये होगा कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन अपने आप ही छिपे रहते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसका आप 4 से 5 गुना मान लीजिए कितने क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जो लोग जुड़ चुके हैं खासतौर से एनटीपीसी आरआरबी को लेकर के। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो चूंकि हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को लेकर के आज हमें शुरुआत करनी है तो आज हम बताएंगे कि हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और जब ये क्लासेस चलेंगी तब वहां पे हम एज ए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में भी आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट देखिए हिस्ट्री में क्वेश्चन जो हमारा पहला है, हु वर द फर्स्ट होमिनिड्स टू बी कैटेगराइज्ड एज द होमो सेपियंस, यानी होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत होने वाला पहला होमिनिड कौन था। तो जब भी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब हम होमो सेपियंस कहते हैं तो होमो सेपियंस का मतलब होता है कि जो हमारा आधुनिक मानव है, और जब हम होमिनिड की बात करते हैं तो होमिनिड का मतलब होता है जो मानव नुमा हो या जो वन मानुष हो। यानी प्राचीन काल से हम देखें कि मनुष्य से मिलते जुलती कई प्रजातियां जैसे गोरिल्ला चिंपांजी तमाम हुआ करते थे, उनमें से कुछ लोगों का ब्रेन विकसित हो गया तो ब्रेन विकसित होने के बाद में वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित हो गए। तो क्वेश्चन यहां पर यह हो रहा है कि ऐसे कौन से होमोनिड थे जो जिनसे होमो सेपियंस बने, यहां पे ये बात पूछी जा रही है। तो यहां पे आप देखेंगे तो जब हम एंशेंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं और एंशेंट हिस्ट्री में हम जब स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज में आपको जितने भी यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सब आपके होमोनिड्स हैं। तो इनमें यह बताया जाता है कि इनमें से कौन सा पहला होमोनिड था,
तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग साथ में चाहें तो आंसर भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी दे सकते हैं, तो यहां पे आपका हो जाएगा क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका पार्ट बी सही हो जाएगा, क्रोमैग्नन जो है वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित होने वाले पहले होमिनिड थे, और जो हमारा नियंडरथल है, नियंडरथल भी होमिनिड थे, लेकिन नियंडरथल आगे चल करके ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब यहां पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो क्रोमैग्नन जो होमो सेपियंस है इनके अवशेष हमें कहां पे प्राप्त हुए हैं, तो इनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इनकी खोपड़ी का एक चित्र हमें फ्रांस से मिला है, और माना जाता है कि ये सब लोग पहले अफ्रीका महाद्वीप में रहते थे, और अफ्रीका से लाखों वर्ष पहले ये लोग बाकी अलग अलग महाद्वीपों में गए थे। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैग्नन, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नेशनल सॉन्ग किसके द्वारा कंपोज किया गया, या हमारा जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा रचा गया, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया, यानी द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय, तो यहां पे ऑप्शन में आप क्या कहेंगे, यहां पे इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे जब बंकिम चंद्र चटर्जी का आंसर दिया गया है तो इनसे जुड़ी हुई आपको एक दो बातें और पता होनी चाहिए। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी थी आनंद मठ, आनंद मठ एक किताब लिखी थी, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनंद मठ किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है वो किस पर आधारित है, तो वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह क्या है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि जब ब्रिटिश शासन काल था, तो ब्रिटिश शासन काल के समय जब हिंदू धर्म के अनुयायी या साधु संत लोग जब किसी धार्मिक नगर की यात्रा करते थे, जैसे बनारस हो गया, कांची हो गया, मथुरा हो गया, तो जब भी किसी धार्मिक यात्रा पर निकलते थे तो उनसे टैक्स वसूली की जाती थी। अब चूंकि सन्यासियों के पास में तो पैसा था नहीं, तो कर के रूप में क्या दें, इसीलिए सन्यासी लोगों ने जो विद्रोह किया उसी विद्रोह के कथानक पर आनंद मठ किताब लिखी गई, और इसी किताब में वंदे मातरम का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में और जो बातें दी गई हैं और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम लिखा था, जिसको हम जनगणमन कहते हैं, जो 52 सेकंड में गाया जाता है, और खास तौर से 1911 में जब ब्रिटेन के राजा और उनकी महारानी भारत में आए थे तो उनके आगमन में या उनके सम्मान में गीत लिखा गया था। तो आज भी हमारे देश के बहुत से लोगों का यह मानना है कि राष्ट्रगान जो हमारा है उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वो भारत को ध्यान में लेकर नहीं लिखा गया, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के जो कह सकते हैं जो राजा थे उनको ध्यान में रखकर लिखा गया। इसके बाद में पिंगले वेंकैया की बात कही गई है, तो उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था, इसके बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, क्वीन मैरी की जब यात्रा को हुई थी, उस यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल 1911 में बनाया गया था, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए, फिर हम इसका एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में क्या था। तो स्टूडेंट यहां पर यदि हम देखें ध्यान से थर्ड का क्वेश्चन, तो यहां पे आपका क्या है, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इनको लेकर के अक्सर बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब भी हम इंडिया गेट की बात करते हैं तो आपको ध्यान में यह रखना है कि इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अब यदि हम यहां पे बात करें कि जब किंग जॉर्ज हमारे यहां पर आए थे तो उस समय प्लेन तो चलते नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि शिप से आए थे या पानी के जहाज से आए थे, तो जब वो पानी के जहाज से आए थे तो सबसे पहले कहां पर आए थे, बंबई में आए थे। बंबई में जब ये आए थे तो बंबई में इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो हम कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बंबई में है और इनके स्वागत में बनाया गया बंबई में, और जो हमारा इंडिया गेट है वो दिल्ली में है,
और जब हम इंडिया गेट की बात करते हैं तो इंडिया गेट जो है वो विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को, वो लोग जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में इंडिया गेट हमारा दिल्ली में बनाया गया। अब यहां पे जो बाकी दोनों चीजें हैं, ऑप्शन में आपके दिया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और विक्टोरिया टर्मिनस, ये भी आपके बंबई में है। अब यहां पे एक चीज और बता दें कि ये जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, कहा तो यहां तक जाता है कि इसी गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन से प्रेरित होकर के जमशेद जी टाटा, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक भी थे, रतन टाटा के दादा ग्रैंडफादर, तो जमशेद जी टाटा ने जो बंबई में ताज होटल बनाया है, वह ताज होटल भी कहीं ना कहीं गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन से ही प्रेरित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और हम यहीं पे डिस्कस कर देते हैं कि जब इंग्लैंड के महाराजा और उनकी महारानी आए थे, यानी जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आए थे, तो क्वीन मेरी की याद में लखनऊ में क्वीन मेरी हॉस्पिटल भी बनाया गया, और जो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज जिसको हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहते हैं, वो भी उसी समय इन्हीं की यात्रा के दौरान बनाया गया था। तो लखनऊ में भी दो बिल्डिंग्स जो है उनके नाम पे बनी हुई हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि जब ये लोग 1911 में आए थे तो 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार की बात करें तो दिल्ली दरबार का मतलब ही होता है कि दिल्ली में एक प्रकार की ग्रैंड पार्टी जैसा, जिसमें विदेशी लोग या ब्रिटेन से राजा महाराजा लोग आते थे, इंडिया में रहकर कुछ दिनों तक पिकनिक और पार्टी करते थे, उसी को लेकर के दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। वैसे तो इतिहास में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। 3 दिल्ली दरबार की बात की जाए तो 1877 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो यहां पर जो बात हो रही है वो 1911 के दिल्ली दरबार की बात हो रही है। और इसी दिल्ली दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई कि अभी तक कलकत्ता जो ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, अब कहा गया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाई जाएगी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली कब बनाने की घोषणा की गई, तो वो भी हमारी 1911 में दिल्ली दरबार के समय में की गई थी। तो ये सारी चीजें आप एक साथ में कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके के आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां पे आपने ध्यान देखा होगा कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहां पे निकलते हैं, इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एज ए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम आपको ये स्टोरी फॉर्म इसलिए भी बता देते हैं कि आपको ऑप्शन याद भी रहे, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आरआरबी में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सीधा सीधा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उनके बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो बाकी ऑप्शंस के आधार पर क्वेश्चन जो बाकी उसके ऑप्शन होते हैं वहां से क्वेश्चन आपको कुछ मैच हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। विच लीडर एडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रशिया? किस नेता ने रूढ़िवादी ईसाई धर्म के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी कहा था कि आरआरबी को लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से टॉपिक आएगा, लेकिन यहां पर देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे हम आपके सामने कहें तो कुछ 5-6 टॉपिक हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं जिसमें से प्रमुख टॉपिक माने जाते हैं, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति, फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति, फिर उसके बाद में रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप,
या इसको हम रिनेसा भी कहते हैं, पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ था जिसमें मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने भाग लिया था, या यहीं पे हमारा प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन धर्मों के बारे में भी बात यहीं पे आ जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हीं टॉपिकों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो रसिया से जुड़ा है। पहली बात आप ये समझ लें कि जो आज का रूस है, जो आज का रसिया है, ये 1991 के पहले इसको हम यूएसएसआर या सोवियत संघ कहते थे, जिसमें बहुत सारे देश शामिल थे, बेलारूस, चेक गणराज्य, पोलैंड, इस तरीके के उज्बेकिस्तान, जितने भी स्थान हैं, किर्गिस्तान, ये सब कुछ इसी में शामिल था। अब यहां पे जब बात की जा रही है कि किस रूढ़वादी नेता ने रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि यह कीव, क्यों की जब हम बात करते हैं तो आज का जो यूक्रेन है उसके आसपास का जो क्षेत्र, चूंकि उसमें पूरा सोवियत था, तो 1015 यानी आप कह सकते हैं 1015 यानी 980 एडी में यह शासक बनता है यूक्रेन का, या उस समय के रसिया का शासक बनता है, और 1015 तक इसका शासन काल रहता है। और इस दौरान कहा जाता है कि इसने रूढ़िवादी ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। आज भी हम रसिया में और यूक्रेन में देखते हैं कि जिसको राजधानी भी है, तो वहां पर हम जब देखते हैं तो वहां पर पाते हैं कि बहुत सी मूर्तियां आपको व्लादिमीर द ग्रेट की मिल जाएंगी। तो व्लादिमीर द ग्रेट यहां पे हैं। बाकी जो आपके नाम दिए गए हैं, माइकल रुबाब, इवान बोरिस गोर्नो, ये सब इनके समकालीन ही थे, कुछ इसके साथी थे और तो कुछ इसके विरोधी थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सीधा सीधा आ जाते हैं। जैसा कि हम यहां पे कहें कि जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या भाईचारा किस क्रांति से आया, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। या कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो हम कह सकते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा किया गया। या नेपोलियन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या नेपोलियन को कि किस युद्ध में हार मिली थी, तो ऐसे क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्मारक को प्लेग के उन्मूलन के लिए, इराडिकेशन ऑफ प्लेग के लिए बनवाया गया, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कुछ लोगों ने कहा है अलाई मीनार, 4 का ए बताया है, और कुछ लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 मीनार। यहां पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ये कुतुब शाही वंश के शासक थे, हम कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य में कुतुब शाही डायनेस्टी में ये 5वें शासक थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इन्होंने 4 मीनार बनवाई थी। कहा जाता है कि 1200 कारीगरों के द्वारा लगभग 12 वर्ष में बनकर के ये हमारे 4 मीनार बनकर तैयार हुए। और 4 मीनार जब बनाया गया, तो आप कह सकते हैं कि 4 मीनार जब बनाया गया तो 4 मीनार आज तो ये हैदराबाद शहर के बीचों बीच में है। 4 मीनार जब बनाया गया तो 4 मीनार के चारों तरफ जो ये 4 मीनारें लगी हैं, तो 4 मीनारों की जो ऊंचाई है वो लगभग 48 मीटर है। एग्जैक्ट की बात करें तो 48.7 मीटर है, लेकिन कुछ समय बार ऐसे भी पूछा गया है कि 4 मीनार में जो मीनारे हैं, चारों मीनारे वो कितनी ऊंचाई की है, तो 48 मीटर की है। इसके अलावा जो ये 4 मीनारे बनाई गई हैं, तो ये 4 खलीफाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के बाद में जो उनके अनुयायियों में जो खलीफा बने, उसमें शुरुआत के जो 4 खलीफा रहे, उन्हीं 4 खलीफाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 मीनार बनाई गई है। हम कह सकते हैं कि ये इस्लाम के 4 खलीफाओं का प्रतीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार कब बनकर तैयार हुआ, तो कुतुब मीनार हमारा बनकर तैयार हुआ 1591 में। अब चूंकि कुतुब मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है, तो एक क्वेश्चन यहां पे यह भी बन सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है,
तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का डायमेंशन भी हो सकता है। तो चार मीनार के लिए फेमस है हैदराबाद, और बाकी आज के डेट में देखा जाए तो हैदराबाद में एक हलीम की बिरयानी, हलीम की बिरयानी है, कहा जाता है कि हलीम की बिरयानी इतना ज्यादा फेमस है उसको भारत सरकार के द्वारा GI टैग भी दिया गया है, और इनकी बिरयानी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है कि यह देश विदेश में पार्सल के द्वारा अपनी बिरयानी को भेजते भी हैं। और यहां पे जो बाकी आप बात की जा रही है, जैसे हम बात करते हैं अलाई मीनार की बात करते हैं, तो अलाई मीनार ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, और जो यहां पे कुतुब मीनार है ये आपका दिल्ली में है। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार मीनार बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें तो इसमें पूछा गया है कि व्हाइट डेजर्ट प्रेजेंट इन इंडिया, इन विच स्टेट इज व्हाइट डेजर्ट प्रेजेंट इन इंडिया, यानी भारत के किस राज्य में व्हाइट डेजर्ट मौजूद है। तो आप लोग इसका पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर हम इसका बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। स्टूडेंट यहां पे जब हम व्हाइट डेजर्ट की बात करते हैं तो यहां पे आपको कई चीजें ध्यान देनी है। जैसे एक शब्द होता है व्हाइट डेजर्ट, और एक शब्द होता है स्नो डेजर्ट, और एक होता है डेजर्ट। तो यहां पे ध्यान देना है, जब केवल हम डेजर्ट या रेगिस्तान की बात कर रहे होते हैं तो यहां पे थार मरुस्थल की बात हो रही है, यानी राजस्थान की बात हो रही है। हालांकि थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, इसका कुछ पोर्शन आपका जो है आप कह सकते हैं कि गुजरात में फैला है, लेकिन मोटे तौर पर रेगिस्तान हमारा कहां है, तो गुजरात में है। और जब हम बर्फीले रेगिस्तान की बात करते हैं, शीत मरुस्थल की बात करते हैं, या बर्फीले मरुस्थल की बात करते हैं, बर्फीले रेगिस्तान की बात करते हैं, तो यह हमारा हो जाता है लद्दाख में, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो जाता है। लेकिन जब हम व्हाइट डेजर्ट की बात करते हैं, श्वेत रेगिस्तान की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह ऐसा डेजर्ट है जहां पे नमक का भी उत्पादन किया जाता है, और यह हमारे रण ऑफ कच्छ, जो हमारा कच्छ का रण है गुजरात में, कच्छ का रण वहां पे पाया जाता है। यह कच्छ का जो रण है, यहां पे जो समुद्र के पानी के जो किनारे कह सकते हैं कि वहां का जो एरिया है, वहां पे सफेद नमक की परत जैसी चढ़ जाती है, तो उसी को हम व्हाइट डेजर्ट कहते हैं। यह व्हाइट डेजर्ट जो है यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आपने कभी कभी टीवी पे देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक प्रचार करते हैं जिसमें कहते हैं कि कच्छ के रण में आपका स्वागत है, आइए आप कच्छ के रण में और यहां के उत्सवों में आकर के यहां के उत्सवों में अपने आप को सराबोर कर दीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, और यहां पे आपकी मुलाकात कराई जाएगी जंगली गधों से। इसका मतलब यह है कि जो जंगली गधे हैं, वाइल्ड एस जो होते हैं, वो जंगली गधे भी यहां पे पाए जाते हैं। गधे दो तरीके के होते हैं, एक तो पालतू गधे बन जाते हैं जो बेचारे धोबी के कपड़े लाद लाद करके उनका जीवन खत्म हो जाता है, और उनको सिंबॉलिक तौर पर भी कहीं पर खड़ा कर दिया जाता है तो उनको लगता है कि हम तो रास्ते में गधे हैं। तो जंगली गधा भी इसी कच्छ के रेगिस्तान में पाया जाता है, और गुजरात सरकार के द्वारा एक बड़े स्तर पर यहां पे प्रतिवर्ष एक उत्सव का आयोजन भी होता है जिसमें देश विदेश के लोग आते हैं और कच्छ के रण में अपने टेंट लगाते हैं और कुछ दिनों तक वहां पे रुकते हैं। तो ये सारी बातें आप कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि व्हाइट डेजर्ट अब समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रण आप कच्छ है उसी को व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं, और हमारा ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 कहता है आपका द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाई, मुगल एम्पायर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा। आपको सभी लोगों को बाबर के बारे में कुछ ना कुछ मोटा मोटा पता होगा,
कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में जो इसके सामने सबसे बड़ा अवरोध था वो था दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी, क्योंकि लोदी वंश का शासन वहां पे था। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी आया था, तो उस समय बाबर जब भारत में आया था उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। तो कहा जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसी युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। कहा जाता है कि जब पानीपत में यह युद्ध हुआ था उसमें बाबर के पास में सेना कम थी लेकिन इब्राहिम लोदी के पास में सेना बहुत ज्यादा थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि युद्ध जो होते हैं वो सिर्फ सेना के दम पे नहीं जीते जाते हैं, युद्ध जीतने के लिए हौसला और एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी, एक कूटनीति या आप रणनीति भी कह सकते हैं कि एक बेहतर रणनीति भी होनी चाहिए। बाबर ने एक बेहतर रणनीति का प्रयोग किया जिसको हम तुलगमा पद्धति भी कहते हैं। रूमी और तुलगमा ये दो शब्द हैं, रूमी और तुलगमा जो युद्ध पद्धति है इसके आधार पर बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी। जो स्टूडेंट और इसको डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये यहां पे बाबर की सेना खड़ी है और यहां पे इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी है, दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, इधर से बाबर की सेना इधर से इब्राहिम लोदी की सेना। अब इब्राहिम लोदी जब यहां पे लड़ने के लिए आया था तो उसने जानबूझ करके अपने हिसाब से पानीपत का मैदान चुना, क्यों? क्योंकि पानीपत का मैदान चुनने में खास बात यह थी कि इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत सारे हाथी भी थे, बाबर की सेना के जो लोग थे उन्होंने बहुतों ने तो हाथी को नहीं देखा था या हाथी को देखकर डर गए थे क्योंकि दूसरी पार्टी में हाथी बहुत ज्यादा थे। तो कहा यहां तक जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के आने के पहले ही इस इलाके में बड़े बड़े गड्ढे जैसे खुदवा दिए थे और इन गड्ढों में बर्छी भाले लगवा दिए थे और इनके ऊपर में घास या घास फूस से इनको ढक दिया था। इसके अलावा जो यहां पे कुछ जो छोटे मोटे पेड़ पौधे थे, झाड़ियां वगैरह थी, यहां पर बाबर ने अपने सेना को छिपा दिया था। तो जब युद्ध शुरू होगा इधर की सेना आएगी इधर की सेना आएगी तो जब इनके हाथी आगे बढ़ेंगे तो हाथी तो यहीं पर गिर जाएंगे और हाथी जब गड्ढों में गिर जाएंगे तो बाद में इन्हीं गड्ढों में आग लगा दी जाएगी तो हाथी तो जल के मर जाएंगे। जो हाथी बचेंगे भी तो पीछे भागेंगे और पीछे भागेंगे तो अपने ही लोगों को रौंद डालेंगे और इधर जो छिपे हुए सैनिक हैं वो भी आकर के इब्राहिम लोदी की सेना पे टूट गए। कहा तो यहां तक जाता है कि बाबर के पास में 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास में 100,000 की फौज थी। इसके बावजूद भी जीत यहां पे बाबर की हुई क्योंकि बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह एक बहुत अच्छा सेनापति था। तो भारत में आकर के इसने पहला युद्ध तो जीत लिया लेकिन अभी भी अपनी सत्ता को कायम करने के लिए जरूरी था कि उस समय के जो सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा थे राणा सांगा, उनको भी युद्ध में हराना जरूरी था। तो इसके लिए तय हुआ अगला साल यानी 1527 और 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा की यदि हम आज की लोकेशन देखें तो आगरा से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी के ठीक पीछे, जो लोग फतेहपुर सीकरी गए होंगे तो फतेहपुर सीकरी के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, उसी को हम कहते हैं खानवा। और इसी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में बाबर की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कहा जाता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो राजपूतों की सेना ने बाबर की सेना को हराना शुरू किया और बाबर की सेना भागने लगी या पीछे हटने लगी। तो बाद में जब बाबर की सेना पीछे हटने लगी तब बाबर की सेना ने अपने सैनिकों को मोटिवेशन देते हुए या ये कहते हुए उनको कहा, जैसे बहुत से लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी होगी कि उसमें भी सेना लौटने लगती है तो बाहुबली उनको एक बेहतर मोटिवेशन वाला एक लेक्चर देते हैं, ठीक वैसे ही बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे सैनिकों रुक जाओ, हम सिर्फ खानवा की लड़ाई में यह लड़ाई नहीं कर रहे हैं, यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में यह तुम जीत गए तो हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य तुम्हारे कदमों के नीचे होगा और यह तुम हार गए तो सीधा जन्नत जाओगे जहां पे 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तो यहां पे सैनिकों के पास में दोनों चॉइस कि मर गए तो जन्नत और जिंदा रह गए तो हिंदुस्तान। तो इस तरीके से कह सकते हो कि बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरा और खानवा का युद्ध भी जीत गए थे। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर यह सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि बाबर जब यहां पर आया था तो 1526, 27, 28 से लेकर 29 तक
लगातार उसने चार युद्ध लड़े थे और उन चारों युद्धों को जीतने के बाद में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और यहीं पर जो भी जब भारत में आया तो इसने चारबाग शैली में कुछ अपने बिल्डिंग्स वगैरह भी बनवाए, कुछ स्थापत्य भी बनवाए। और बाबर ने अपने जीवन का जो कुछ भी अनुभव था उन अनुभवों के आधार पर तुर्क भाषा में उसने एक किताब लिखी, तुर्के बाबरी, या जिसको हम बाबर नामा कहते हैं, बाबर नामा या तुर्के बाबरी के नाम से उसने एक किताब भी लिखी थी, तुर्के बाबरी या तुर्के नहीं तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी नाम की एक किताब भी इसने लिखी थी, तुजुके बाबरी। तो इस तरीके से इसने किताब भी लिखी थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में मुगल वंश को स्थापित करने वाला बाबर था। तो इमोशनल मोटिवेशन किया, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाबर जो है, बाबर के द्वारा ही पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब यहां पे चूंकि पानीपत का जिक्र हुआ है तो यहां पे जब पानीपत का युद्ध हुआ है तो यहां पे यह भी बता दें कि पानीपत की टोटल तीन लड़ाइयां हुई। जब हम पानीपत के युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं तो यह हमारा हुआ है 1526 में। दूसरा जब, यानी यहां पे जो पार्टियां थी, दो पार्टियां थी, एक पार्टी थी बाबर और दूसरी थी इब्राहिम लोदी, परिणाम यह हुआ कि बाबर की जीत हुई। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो हमारा हुआ 1556 में। और 1556 में जब यह युद्ध होता है तो यहां पे एक पार्टी थी अकबर और दूसरी तरफ था हेमू, तो इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ, जिसमें एक तरफ मराठे थे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। कहा तो यहां तक भी जाता है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो उस समय भारत की सबसे ताकतवर जो शक्ति थी वो मराठा थी। तो कहते हैं कि पानीपत के युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि अब भारत पर शासन कौन करेगा, यानी अंग्रेज तो अब शासन करेंगे लेकिन मराठे शासन नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों युद्ध भी उसी समय हुए थे। तो इस क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पूछा गया खजुराहो समूह का स्मारक एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, ये कहां पे है। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने खजुराहो का नाम सुना होगा। जब हम खजुराहो की बात करते हैं तो खजुराहो के मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग वहां पे टूरिस्ट के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि जो वहां पे जो मूर्तियां बनी है, जो मंदिर के प्रांगण में या बाहरी दीवारों पर जो मूर्तियां बनी है वो कामुक मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई है और अंदर जाकर के एक मूर्ति जैसी है। तो यहां पर माना जाता है कि जीव, मतलब आप कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से, जैसे आज हमारे देश में जब ये बात उठती है कि जो हमारे युवक नवयुवक हैं उनको हम सेक्स एजुकेशन की बात दें या कैसे शिक्षा दें, तो उनको लेकर के हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में हमारे जो लोग रहे होंगे वो काफ़ी एडवांस रहे होंगे। खैर यहाँ पर हम बात करते हैं खजुराहो समूह की बात जब करते हैं, तो समूह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई मंदिर हैं अलग अलग, जिसमें हम जो लोग खजुराहो कभी गए भी होंगे तो वहाँ पर पूर्वी पश्चिम, पूर्वी मंदिर समूह, पश्चिमी मंदिर समूह, ये सारी बातें आती हैं। जो खजुराहो नाम है, कहा जाता है कि यहाँ पे खजूर के वृक्ष हुआ करते थे, खजूर के यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, इन्हीं से इसका नाम पड़ा था खजुराहो। जब भारत पर इस्लामिक आक्रमण हुआ, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, तो कहा जाता है कि खजुराहो के मंदिर इसलिए भी बचे रह गए क्योंकि ये खजूर के पेड़ों से ढक करके छिपकर रह गए थे जंगलों के बीच में, तो यहाँ पे ये सुरक्षित रह गए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां का जो सबसे फेमस मंदिर माना जाता है उसको हम कहते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 7 से 8 बार। तो कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पारसनाथ मंदिर, पारसनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर वहां पे हैं।
इन सब मंदिरों को हम जब मिला देते हैं तो हम कह देते हैं कि खजुराहो का स्थापत्य का खजुराहो समूह, यानी बहुत सारे मंदिरों को मिला के ये हमारे खजुराहो समूह के मंदिर हो जाते हैं। तो यहां पर ये हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो पड़ता है। यहां पे आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां पे एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है और यहां पे आपको 2 स्टार 3 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक के होटल भी यहां पे उपलब्ध हैं। तो कभी भी आप कह सकते हैं, कभी भी जो है आप जाके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु आर द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो स्टूडेंट यहां पे बात की जा रही है मौर्य सम्राट की, और आरआरबी या एनटीपीसी के सिलेबस को ध्यान में रखकर के हम देखें, या जैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए इस टॉपिक के, तो इस आधार पर देखें तो इसका तो आंसर आपका हो जाएगा बृहदत्त, यानी सी पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य भारत का वह पहला एम्पायर था जिसने पूरे भारत को एक पॉलिटिकल यूनिटी, एक राजनीतिक एकता में बांध दिया था। मौर्य साम्राज्य के समय में भारत की सीमाएं बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक थी। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था और अलेक्जेंडर या सिकंदर जब यहां से लौट गया था तो उसने अपने उन क्षेत्रों का प्रशासन करने का अधिकार सेलुकस निकेटर को दे दिया था। बाद में चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को जब 305 बीसी में हराया था तो युद्ध के बाद में जो संधि हुई तब उसमें हेलेना, यानी सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में पहली बार पॉलिटिकल लेवल पर की गई पहली विदेशी शादी जो है, यानी जिसमें देशी दूल्हा चंद्रगुप्त मौर्य और विदेशी दुल्हन हेलेना थी, ये पहली शादी हुई थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक आए और अशोक ने हिंसा के स्थान पर अहिंसा को बढ़ावा दिया और बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी एशिया में अपने बहुत सारे एम्बेसडर या दूत भेजे, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव भेजे। बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर होते चले गए और उस समय जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर जो वैदिक धर्म के मानने वाले लोग थे उनके अंदर यह संतोष बढ़ने लगा कि वैदिक धर्म को राजकीय संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। बाद में वैदिक धर्म के समर्थन वाले ही एक व्यक्ति थे पुष्यमित्र सुंग, तो पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त का वध कर दिया और बृहदत्त का वध करने के बाद में मगध पर उन्होंने सुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो यहां पर बृहदत्त अंतिम शासक था और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई और उसके बाद में मगध में सुंग डायनेस्टी की स्थापना की गई। और सुंग डायनेस्टी के स्थापना के बारे में यहां पे यह भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अयोध्या में कुछ इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, अयोध्या में कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिससे यह भी पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, सांची के स्तूप की मरम्मत भी कराई थी। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो अशोक की बात करें तो अशोक ने, अशोक के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध इन्होंने जीता था। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंग का युद्ध 261 BC में, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। और यदि हम बात यहां पे कर ले कि बृहदत्त की हत्या कब हुई थी, तो बृहदत्त की हत्या 185 बीसी में हुई थी। इसका अर्थ यह भी है कि 322 बीसी से लेकर 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक यह जो समय कहलाता है इसको हम कह सकते हैं मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। यह मौर्य डायनेस्टी है जो 185 में समाप्त हो गई। तो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शुरुआत होकर के बृहदत्त पे जाके खत्म हो गई और इसके बाद में यहां पे सुंग वंश आ गया।
मौर्यों के बाद में देखिए, जैसे कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भीमपुत्र जोगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्या यह पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ तो इसके पहले वैदिक काल में हुआ करते थे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद में यह पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। बाकी अश्वमेध की परंपरा तो हमारे यहां बहुत ही प्राचीन काल से रही है, यदि हम महाकाव्यों में जाएं तो कई शासकों ने इसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आर्ट फ्रॉम वाज मृणाली साराभाई एसोसिएटेड विद, यानी मृणाली साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब यहां पे मृणाली साराभाई की बात हो रही है। मृणाली साराभाई की जब बात हो रही है तो इसका मतलब यह भी है कि यहां पे क्वेश्चन हमारा किससे आ रहा, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से, यानी कला और संस्कृति वाला जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां पे जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पट्टचित्र या पट्टचर, तंजौर पेंटिंग, भरतनाट्यम और मधुबनी, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये हमारे आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति वाले चैप्टर से रिलेटेड है। यहां पे यदि हम बात करें मृणाला साराभाई की तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कलाकार है, यानी 10 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कलाकार है। इनकी बेटी भी जो है आप कह सकते हैं कि ये भी भरतनाट्यम की डांसर रही हैं। यहां पर जो बाकी आपके ऑप्शन दिए गए हैं पट्टचर या पट्टचित्र, तो पट्टचित्र की बात ये होती है कि पट्टचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है, यानी यहां पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं पट्टचित्र जो है उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है, उड़ीसा की पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल पारंपरिक चित्रकला। इस चित्रकला में क्या होता है, पट्ट का मतलब होता है कपड़ा, कपड़े पे चित्र बनाए जाए, इसका मतलब है कि कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं पट्ट चित्र जो हमारा उड़ीसा का है। तंजौर पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो तंजौर पेंटिंग आपकी तमिलनाडु की है, जिसको हम तंजावुर पेंटिंग या तंजौर पेंटिंग भी कहते हैं, तो तंजौर पेंटिंग आपकी कहां की है, तमिलनाडु की, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है मधुबनी, जो लोग बिहार के होंगे उनको पता होगा कि बिहार के मधुबनी और भागलपुर के आसपास और जो जनकपुर का क्षेत्र है यानी जिसको हम मिथिलांचल भी कह सकते हैं, उस एरिया में मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन है। मधुबनी पेंटिंग लोग अपने घरों को सजाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, प्रकृति से संबंधित चित्रण किए जाते हैं और कुछ में कुछ धार्मिक प्रतीकों का भी चित्रांकन किया जाता है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आपके आते हैं, जबकि हमने पहले भी कहा कि आपके सिलेबस में अलग से नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन क्वेश्चन आपके यहां से भी आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए पूछ रहा है कि सिख त्योहार में किस त्योहार पर जलियांवाला बाग मैस्क्र या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मारवाड़ी भाऊसा कह रहे हैं कि मारवाड़ी पेंटिंग क्या बिहार से है, जी नहीं, मारवाड़ी पेंटिंग आपके राजस्थान से है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी बैसाखी। कहा जाता है बैसाखी का त्यौहार था, बैसाखी का त्यौहार पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, और अक्सर क्या होता है कि वहां पर लोग अपने खेतों के आसपास में या घरों के बाहर जो है कुछ आग वगैरह जला करके, पंजाबी लोग जो होते हैं, सिख लोग जो होते हैं, वो एक डांस भी करते हैं, उनका जो डांस होता है उसे ही भांगड़ा कहते हैं, महिलाएं भी जब भांगड़ा डांस करती हैं तो उसको गिद्दा कहा जाता है, जो बैसाखी के अवसर पर होता है। और जलियांवाला बाग यदि हम नरसंहार की बात करें
तो इसकी डेट क्या है, 13 अप्रैल 1919। कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था सबसे बड़ा रॉलेट एक्ट। कारण सबसे बड़ा क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको ब्लैक लॉ यानी काला कानून, काला कानून भी कहते हैं इसको। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह बिना अपील का, बिना दलील का और बिना वकील का कानून है। बिना अपील का, बिना दलील का, बिना वकील का कानून है। कैसे? क्योंकि रॉलेट एक्ट के द्वारा पुलिस को इतना ज्यादा राइट दे दिया गया कि पुलिस को यदि किसी पे भी शक हो जाए तो वह उसे अरेस्ट कर सकती थी। यदि पुलिस को शक हो गया कि यह अपराधी है या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रहा है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती थी। और अरेस्ट जब किसी को किया जाता था तो उस व्यक्ति को यह भी नहीं पूछने का अधिकार था, वो कोई दलील भी नहीं दे सकता था कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा, या वो उसे बंद कर दिया गया है रॉयल एक्ट में तो किसी कोर्ट में कोई अपील भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई वकील उसका कोई केस लड़ सकता था। इस तरीके का ये कानून था। इसी के विरोध में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करने की बात कही। तो उस समय बंगाल के कुछ नेता थे, उन्होंने, जिनमें से एक नाम आता है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल डॉक्टर। कहा जाता है कि जो पंजाब के नेता थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने महात्मा गांधी से कहा कि आप पंजाब में आइए और पंजाब में आकर के यहीं के नेतृत्व में, आपके ही नेतृत्व में हम यहां पे सत्याग्रह करेंगे। महात्मा गांधी को लगा कि इसके पहले हमें बिहार में चंपारण घूमने का मौका मिल ही चुका है, खेड़ा सत्याग्रह हम कर ही चुके हैं तो थोड़ा और घूम लेते हैं, पंजाब भी घूम लेते हैं। तो महात्मा गांधी अहमदाबाद से दिल्ली आए, दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, लेकिन हरियाणा के पास पलवल एक जगह है, वहीं पर महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। और इधर चूंकि महात्मा गांधी को इन लोगों ने बुलाया था तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो कहा जाता है कि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और उसी दिन पंजाब के दोनों लोकप्रिय नेता जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और महात्मा गांधी को जो अरेस्ट कर लिया गया था, इनके विरोध में अमृतसर के शहर के बीचों बीच में जलियांवाला बाग था और इसी जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। और कहा जाता है जलियांवाला बाग में एंट्री और एग्जिट यानी आने और जाने का एक ही रास्ता था, तो लोग यहां पर आते गए और धीरे धीरे यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो गए तब कहा जाता है कि उस समय तक अमृतसर शहर में धारा 144 लगी हुई थी, सेक्शन 144 धारा 144 लगी थी, जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति खड़े होकर के बातचीत नहीं कर सकते। तो अमृतसर शहर में धारा 144 लगी है और बहुत सारी पब्लिक जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो चुकी है और जलियांवाला बाग में चारों तरफ बिल्डिंग्स बनी है और आने जाने का एक ही रास्ता। ऐसी कंडीशन में पंजाब का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था एम ओ डायर ने आर डायर, जिसका नाम है रेगिनाल्ड डायर, एम ओ डायर जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसने आर डायर को आदेश दिया। इसी आर डायर को हम जनरल डायर भी कहते हैं। और एम ओ डायर ने आर डायर से कहा कि आप जाइए और जो जलियांवाला बाग है, कहा जाता है इसका नाम जलियांवाला बाग इसलिए भी पड़ा था क्योंकि यह बाग किसी जल्ली नाम के व्यक्ति की बाग थी, जल्ली नाम के व्यक्ति की बाग थी, इसीलिए जल्ली का बाग या जलियांवाला बाग इसका नाम हो गया। और जब लोग, जब पुलिस यहां पे आर डायर के नेतृत्व में जब यहां पे पुलिस पहुंची तो पुलिस ने आते आते यहां पे अनाउंस किया कि जो भी लोग यहां पे खड़े हैं तो वो लोग यहां पे बाग खाली कर दें क्योंकि शहर में धारा 144 लगी हुई है। लेकिन ये लोग जो यहां पे खड़े थे ये सब देशभक्ति में मर मिटने वाले सत्याग्रही थे। इन लोगों को लगा पुलिस क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा 4 से 10 लाठियां ही तो मारेगी, मारेगी तो सह लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि सत्याग्रही वही मर सकता था जो पुलिस का टॉर्चर बर्दाश्त कर सके। तो ऐसी कंडीशन में आर डायर ने कुछ समय दिया कि आप लोग यहां से चले जाइए, लेकिन जब लोग यहां से टस से मस नहीं हुए तो आर डायर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, फायरिंग करने का आदेश दिया। और कहा जाता है कि पुलिस वाले तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनकी कारतूस, उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। और देखते ही देखते यहां पर जो हजारों लोग थे वो मर गए। कुछ लोग पुलिस की गोलियों से बचने के लिए इसी बाग के अंदर एक कुआं बना हुआ था, उस कुएं में कूद गए।
तो आप सोचो कि एक कूदा, दो कूदे, दस कूदे, बीस कूदे, पचास कूदे, सौ कूदे, डेढ़ सौ कूदे, तो जब सैकड़ों लोग कुएं के अंदर कूद जाएंगे तो जो नीचे लोग होंगे उनका हाल क्या होगा? तो बहुत से लोग तो ऐसे ही मर गए। खैर, इस घटना ने देश में राष्ट्रवाद को बढ़ाने का एक उत्प्रेरक का काम किया और बाद में कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इसी घटना के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपनी जो उपाधि थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपाधि नाइटहुड थी उसको भी त्याग कर दिया। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया। बाद में जब ब्रिटिश प्रशासन पर बहुत सारा दबाव पड़ा तो बाद में सरकार ने इसकी जांच करने के लिए एक हंटर कमेटी बनाई। पुलिस ने इसकी जांच करने के लिए एक हंटर कमेटी बनाई और इस हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आर डायर को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया और कहा कि आर डायर ने जो किया वो गलत किया। यद्यपि उसने गलत किया लेकिन फिर भी ब्रिटिश शासन के प्रति इसकी जो निष्ठा है उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि आर डायर को क्लीन चिट मिल गई और बाद में आर डायर को ट्रांसफर करके इंग्लैंड भेज दिया गया। और बाद में कांग्रेस की तरफ से भी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए तहकीकात कमेटी बनाई गई और तहकीकात कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनाई गई। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह घटना अपने आप में ही एक बड़ी घटना थी। और बाद में कहा जाता है कि इसके कुछ समय के बाद एक और घटना हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक पंजाब से एक व्यक्ति पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन में गए। उनका नाम था ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह बचपन में ऊधम सिंह जब काफी छोटे थे उस समय की जलियांवाला बाग घटना की बात हुई थी और अब बात हो रही है 1940 की। 1940 के दौर में जब ऊधम सिंह लंदन पढ़ने के लिए गए तो उस समय ये जो आर डायर था इसकी तो डेथ हो चुकी थी और जो एमओ डायर था वो ब्रिटिश सरकार से रिटायर होकर के लंदन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन ऊधम सिंह लंदन में जा रहे थे कहीं पे तो उनको पता चला कि एमओ डायर एक सभा को आदेश दे रहा है। तो ऊधम सिंह को लगा कि चलो ये डायर ना सही तो यही डायर सही, इसी को निपटा देते हैं। और बाद में ऊधम सिंह ने एमओ डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग की घटना का बदला लिया था, ऐसा भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के यहां पर एक बात यह भी कही जाती है कि जब ऊधम सिंह को फांसी पे, चूंकि एमओ डायर की हत्या की थी तो ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली और जब इनको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही थी तो इनसे लास्ट विश, इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब ऊधम सिंह ने कहा था कि हमारे घर वालों ने हमें बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजा था तो हम चाहते हैं कि जो वकील का पूरा ड्रेसअप है उसको पहन करके हम फांसी पे चढ़े। तो फांसी पे चढ़ने के पहले इन्होंने वकील वाला अपना काला कोट पहन करके तब ये फांसी पे चढ़े थे। तो ऐसे थे हमारे वीर ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 37 to 1453 हु वर द मेन कंपोनेंट ऑफ द 100 ईयर्स वॉर्स, यानी 100 वर्षीय युद्ध में मुख्य लड़ाके कौन कौन थे, यानी 100 वर्षीय युद्ध में कौन कौन सी दो पार्टियां थी। तो स्टूडेंट पहली तो बात यहां पे ये आती है कि जो यह युद्ध है भले ही हम इसको 100 ईयर्स वॉर कहते हैं, 100 युद्ध कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में 116 वर्ष तक चला था। यदि आप देखें तो ये लगभग 116 वर्ष के बीच की बात है। जब हम इस 100 युद्ध की बात करते हैं तो यहां पे बात यह है कि इसका जो आंसर हो जाएगा, यह भी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जब टॉपिक है तो इसमें डी पार्ट इसका हो जाएगा इंग्लैंड साम्राज्य और फ्रांस साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो शुरुआत ही क्यों हुई, तो शुरुआत यह हुई थी कि इंग्लैंड का एक शासक था एडवर्ड थर्ड, यह था इंग्लैंड का शासक, इंग्लैंड का राजा था। और कहा जाता है कि जो एडवर्ड थर्ड था इंग्लैंड का था तो इसने डिमांड यह की थी कि इसकी जो माता थी वो फ्रांस की थी, तो इसका यह कहना था कि चूंकि मेरी माता फ्रांस की है और मैं उनका बेटा हूं तो मुझे इंग्लैंड का तो अधिकार मिला है लेकिन इसके साथ साथ में हमें फ्रांस की भी राजगद्दी चाहिए। जबकि फ्रांस के लोगों ने फिलिप को राजा बना दिया, फ्रांस के राजा फिलिप बने और एडवर्ड की इच्छा यह थी कि हम ही फ्रांस के सम्राट बने। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंग्लैंड के राजा की महत्वाकांक्षा का परिणाम ही था यह युद्ध। कहा जाता है कि इसमें कई पीढ़ियां
जब तक ये जिंदा रहे तब तक ये युद्ध लड़ते रहे, उसके बाद में इनके बाद की जो कई पीढ़ियां थी वो युद्ध लड़ते रहे, और युद्ध लड़ते लड़ते लगभग 116 साल तक ये युद्ध चला था। इसी को हम इतिहास में 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी कुछ ना सकता है कि 100 वर्षीय युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, तो एडवर्ड थर्ड के द्वारा, जो इंग्लैंड के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, हमारा कहता है बेसिलिका ऑफ बॉन्ड जीसस लोकेटेड। यहां पे जो आपका बॉन्ड लिखा है तो बॉन्ड की जगह पे बॉम हो जाएगा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इसका मतलब यह है कि यह राज्य में विश्व विरासत स्थल किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ज्यादातर लोगों ने गोवा पे कमेंट किया है, तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जब हम गोवा की बात करते हैं तो ये फेमस क्यों है। पहली बात तो ये है, माना जाता है कि यह चर्च बहुत पुराना है। बेसिलिका बॉम जीसस जो है ये गोवा का सबसे पुराने चर्चों में से एक है, या भारत का सबसे पुराने चर्चों में से एक है। 400 साल पुराना चर्च है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 1594 से इस चर्च का निर्माण होना शुरू हुआ था और 1605 में यह बनकर तैयार हुआ, 1605 में बनकर तैयार हुआ। और यह चर्च इस बात के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि एक ईसाई मिशनरी या ईसाई धर्म के एक संत थे, जिनके नाम पे आपको देश में बहुत सारे आपको स्कूल भी मिल जाएंगे, सेंट फ्रांसिस जेवियर। बहुत से लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनके नाम पर बहुत सारे स्कूल भी है। यह एक ईसाई मिशनरी थे, इन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग यूरोप से निकल करके अलग अलग जगहों पर जाकर के कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु चीन में हुई थी, और जब यह 1605 में बेसिलिका द बॉम चर्च बनाकर तैयार किया गया तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनकी जो इनकी आप कह सकते हो जो इनका ताबूत था, जो इनकी डेड बॉडी वाला ताबूत था जो चाइना में दफन था, उसको चाइना से ला करके इसी चर्च में लाया गया। उनको चाइना से लाकर के इसी बेसिलिका वाले चर्च में लाया गया। कहा तो यहां तक भी जाता है कि आज भी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो अवशेष हैं, जो उनकी बॉडी के अवशेष हैं, इनके मृत देह में कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह लगाए गए हैं कि इनकी बॉडी वहां पे सुरक्षित रखी गई है, तो उसमें से जो भी इनके अवशेष बचे हैं उनको देखने के लिए दुनिया भर से ईसाई धर्म को मानने वाले लोग वहां पे आते हैं। गोवा में काफी बड़े स्तर पर एक प्रोग्राम भी होता है। तो यहां पे आपको इतना याद रखना है कि यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, और 400 साल पुराना चर्च है, और फेमस ये इस बात के लिए है क्योंकि यहां पे सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष भी रखे हुए हैं। इसके अलावा ये इसलिए भी फेमस है कि यहां पे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जेसुइट नाम की एक संस्था भी बनाई गई थी, और कहा जाता है ये जेसुइट लोग क्या करते थे, अलग अलग राज्यों में जाकर राजाओं के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि आप ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लो, या उनको ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देते थे। अकबर के बारे में भी कहा जाता है कि जब अकबर का शासन था और अकबर की राजधानी जो फतेहपुर सीकरी है, तो फतेहपुर सीकरी में बहुत से जेसुइट पादरी इससे भी आकर मिले थे, और अकबर ने ईसाई धर्म के बारे में काफी कुछ जानने की भी कोशिश की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी ये कहां पे, गोवा में है, और गोवा वैसे भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। कोविड की वजह से वहां पे टूरिज्म काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया में सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नोबेल विजेता बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। यहां पर बात हो रही है नोबेल विजेता बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहां पे आप लोग कमेंट करके बताइए कौन थे। तो यहां पे 14 का आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों, क्योंकि 1913 में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार तो 1901 से शुरू हुए, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए, और
अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट पहाड़ों को तोड़ने के लिए काम आता है, बाद में इसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में भी होने लगा। तो नोबेल पुरस्कार जब शुरू हुए उसके बाद में भारतीयों की नजर से देखें तो 1913 में साहित्य के लिए, फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती स्कूल, जिसको शांति निकेतन विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, उसकी भी शुरुआत की। इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ पेंटिंग्स भी बनाई हैं और दर्शन के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। बाकी जो आपके बैच की हम बात करें तो बाकी यदि हम आपके बैच की बात, बाकी यदि हम आपके इसके विकल्पों की बात करें तो यहाँ पे महात्मा गांधी की बात की जा रही है, तो महात्मा गांधी को आज तक कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि महात्मा गांधी को 3 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। हालांकि महात्मा गांधी के जो शिष्य या महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीका का गांधी कहते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, लेकिन जो हमारे असली गांधी थे, ओरिजिनल गांधी थे, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। और इसके बाद में बात करें सी वी रमन की, तो सी वी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में, सी वी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में या भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। सी वी रमन ने जो भौतिकी में जो खोज की थी उसको रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। और यहां पे यदि हम बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जब भारत में आई तो भारत में आकर के उस समय जो एक बीमारी थी जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, तो लेप्रोसी बीमारी का उस समय कोई इलाज नहीं था। पुराने जमाने में जब किसी को लेप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग हो जाता था तो उसके घर वाले अपने घर से दूर उसे खेतों में, या खेतों में ही कोई एक मड़ैया टाइप की या झोपड़ी बना करके उस व्यक्ति को वहीं पर रख दिया जाता था। लोगों को लगता था यह छुआछूत की बीमारी जैसी है, कंटेजियस बीमारी है। और आगे चल करके कहा जाता है कि जब मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए कलकत्ता में अपना एक संगठन की स्थापना की, एक अपना ऑफिस जैसा खोला, एक संगठन जैसा खोला, तो वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की वो सेवा किया करती थी। बाद में मदर टेरेसा पे यही आरोप लगे कि वो रोगियों की सेवा करने के बहाने उन रोगियों को वो ईसाई धर्म में बदल दिया करती थी। तो कुल मिलाकर के यहां पे आपका आंसर आपका जो है वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, अमृता भारती ने पूछा है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो हमने जैसा कि कहा कि नोबेल पुरस्कार जब किसी को दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों की एंट्री की जाती है, फिर फाइनल में किसी को दिया जाता है। वो अलग बात है कि बाद में जब महात्मा गांधी नहीं रहे तो उसके बाद में नोबेल कमेटी की तरफ से एक बार ऑफिशियल ये जरूर कहा गया था कि नोबेल कमेटी को इस बात का अफसोस रहेगा कि हम गांधी जी को उनको जीवन में नोबेल पुरस्कार नहीं दे पाए। हालांकि गांधी जी के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि गांधी जी तो इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर हैं, उनको पुरस्कार की जरूरत ही क्या है। लेकिन जो गांधी के विरोधी होंगे वो तो यही कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, क्या किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे जितनी भी चीजें आपको है, बार्टर सिस्टम थी, लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईंटों से बनी हुई इमारतें और प्रशासनिक प्रणाली। तो यहां पे सब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के आपको लगता है कि कई सारे आंसर हैं लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट जो बात है वो आपको यहां पे बताना है। सबसे बेहतर किस बात के लिए जाना जाता है, जब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन के लिए, प्रथम नगरीय क्रांति के लिए। और प्रथम नगरीय क्रांति की जब बात की जाती है तो यहां पे हो जाता है पके पकी हुई ईंटों से बने हुए निर्माण कार्य, यानी ईंटों से बनी हुई इमारतें
बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन यानी प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो हमने जैसा कि कहा, इसमें आप कह सकते हो प्रशासनिक प्रणाली भी थी, स्थानीय प्रशासन प्रणाली भी थी, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो मकान होते थे वो ईंटों के बने होते थे और ब्रिक बर्नट ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि आज से हजारों साल पहले इस तरीके की सभ्यता हमारे यहाँ पर प्रचलित थी कि लोग उस समय के इतना एडवांस थे कि वो मकान बनाने में पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सीधे ब्रिटिश ताज अधीन कब आया? इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन ईयर। तो अभी पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे हमने कई बातों का जिक्र किया था। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब आया। तो स्टूडेंट, आपको यहां पे कई बार ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते होंगे जब हम कभी कभी कहते हैं भारत का वायसराय कौन था। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे कि बंगाल का गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, पहला बंगाल का गवर्नर कौन था। या कभी बार ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। या क्वेश्चन ये भी बनता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, और इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला वायसराय, वायसराय कौन था। तो ये जो अलग अलग जो नाम होते हैं, तो यहां पे इसलिए आते हैं कि जब कंपनी का शासन था भारत में, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के साथ साथ ही उसने भारत की पॉलिटिकल पावर को, भारत की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जब ईस्ट इंडिया का कब्जा बंगाल में था तो उस समय बंगाल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो बंगाल का गवर्नर कहलाता था। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी को और बंबई प्रेसिडेंसी को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो इन तीनों जगहों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी बाकी मद्रास में और बंबई में गवर्नर होते थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर को ये गवर्नर जनरल कहते थे। आगे चल करके 1833 में जब अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य और बड़ा हो गया, तो उस समय पूरे भारत के लिए एक सबसे बड़ा जो अधिकारी बना उसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल, जो इस पद पर आए थे लॉर्ड विलियम बंटिंक। आगे चल करके जब 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद बड़ी मुश्किल से अंग्रेज अपने आप को बचा पाए, और यह तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसने सोचा कि अब हम भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे और भारत को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी के अंडर में लेकर आएंगे। और यह घटना है 1858 की। स्टूडेंट, आपको बता दें कि 1858 को ही एक घटना हुई थी, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, यानी जिसको हम प्रयागराज जब कहते हैं, उस समय इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, और इसी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब से, विक्टोरिया डिक्लेरेशन, कि अब से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा और अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत रहेगा। अब यहां पे यदि हम आप लोगों से पूछें तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर हमारा रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बंटिंक था, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है
कि विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसके द्वारा पढ़ा गया? कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। और जब देश हमारा आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत में भी शुरुआत में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, फिर से कह रहे हैं कुछ लोग कि उसको रिपीट कर दीजिए, तो फिर से ध्यान से आप सुनिए कि जब हम कहते हैं कि बंगाल का पहला, ध्यान से देख लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये हमारा हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। फिर दूसरा हमने कहा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये हमारा हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर हमने कहा भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा विलियम बेंटिंक, जिसके समय में सती प्रथा रोकने वाला कानून लाया गया था। और उसके बाद में हम कहते हैं भारत का पहला वायसराय, ये था लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद में जब हम कहते हैं, जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद फिर हम कहते हैं स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत जब हो गया 1947 में, तब उस समय फिर से वायसराय नाम हटा दिया गया। और वायसराय नाम हटा करके हमने कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल ये बन गया लॉर्ड माउंटबेटन। इसका मतलब यह भी है कि माउंटबेटन जो है वो भारत का अंतिम वायसराय भी होगा। माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय भी है और आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना। और फिर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये हमारा हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और आगे चल करके 1950 में इसी जगह पे आ गए हमारे राष्ट्रपति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछे जाते हैं, कई बार कहे जाते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जरूर याद रखना है, एक बार, दो बार, तीन बार आप उनको जरूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे कोशिश हमारी यही रहती है कि एक एक फैक्ट जो आपके है वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और फिर हम आपसे कह रहे हैं इतना यदि आप इस तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको सीधा सीधा जीएस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17। इसमें कहा गया कि ताशकंद डिक्लेरेशन फॉलोड इंडो पाक वार ऑफ, भारत पाक के 21 युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। भारत, क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां पे हमने बात कर रहे हैं 17 की, कि भारत पाक युद्ध के बाद में घोषणा हुई थी ताशकंद की, तो ताशकंद की बात हो रही है। अभी आप लोगों को 18 का नहीं, 17 का देखना है। तो ताशकंद की घोषणा कब हुई, यानी ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ था? तो स्टूडेंट देखा जाए तो ये हमारा कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी आजादी के बाद की घटना पूछ रहा है। यह भी इतिहास का पार्ट है, लेकिन इतिहास जब हम 1947 के बाद का इतिहास पढ़ते हैं तो 1947 के बाद के इतिहास को हम क्या कहते हैं, कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री, यानी समकालीन इतिहास, यानी आजाद भारत के बाद का इतिहास। तो आजाद भारत के बाद का जब इतिहास है, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1965 का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद में उस युद्ध में कहा जाता है कि भारतीय सेनाएं लाहौर तक चली गई थी।
उस समय यदि हमारी सरकारों ने इच्छा शक्ति जताई होती तो उस समय जम्मू कश्मीर का मैटर ही उसी समय सॉल्व हो गया होता। कहा जाता है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, और यह जो समझौता हुआ था यह यूएसएसआर या सोवियत संघ के मध्यस्थता में हुआ था, सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुआ था। कहा जाता है कि उस समय जो यूएसएसआर था, आज का जो तजाकिस्तान है यह हमारा उज्बेकिस्तान में पड़ेगा, आज का जो हमारा ताशकंद है, जो ताशकंद शहर है वो उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उस समय उज्बेकिस्तान जो था वो सोवियत संघ का ही पार्ट था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में। आज की डेट में तो ताशकंद जो है हमारा उज्बेकिस्तान में है, लेकिन 1966 में जब यह समझौता हो रहा था तब यह सोवियत संघ का ही पार्ट था, तो सोवियत संघ की मीडिएटेड में, आप कह सकते हैं उसी की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हुआ था। इस समझौता को इसलिए भी याद रखा जाता है, यदि यहां पर हम देखें इस समझौते में जो पार्टियां थी, इस समझौते में भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने और पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों ने मिलकर के इस समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसमें यह कहा गया था कि युद्ध के पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति में दोनों देशों की सेनाएं वापस ली जाएंगी। और यहां तक कहा जाता है कि ताशकंद समझौते जिस दिन हुआ उसी रात को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। आज तक यह रहस्य है कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कैसे हुई। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को जहर देने से मौत हुई, और आज भी यह रहस्य है, यहां तक इसकी जांच नहीं हो पाई। यहां तक भी कहा जाता है कि इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था और इसमें नहीं पता चल पाया कि इनकी डेथ वाकई में कैसे हुई, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर में ये बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या किसने की। अभी कुछ समय पहले एक फिल्म भी आई थी जो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से रिलेटेड भी थी, उसका फिल्म का नाम हमें तो नहीं अभी पता आ रहा है, आप लोगों ने हो सकता देखी भी हो। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री थे। एक बार तो यहां तक भी कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो पत्नी थी वो एक बार सरकारी गाड़ी लेकर के दिल्ली में शॉपिंग करने चली गई कनॉट प्लेस में, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री की कार चोरी हो जाए, बाद में पता चला कि उनकी पत्नी जो है शॉपिंग करने के लिए गई थी, खैर वहां से बाद में गाड़ी लाई गई, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह गाड़ी सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए है, इसका यूज हम पर्सनल कामों में नहीं कर सकते, या पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तो इतने ही आप कह सकते हैं ईमानदार थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति जब उसकी डेथ हुई हो और बाद में उसका घर भी पक्का ना हो पाया हो, कच्चा घर झुग्गी झोपड़ी में बना हुआ इनका घर था, और इनके खाते में कुछ 100 यानी 400-500 रुपए इनके अकाउंट में मिले थे, इस तरीके की ईमानदारी थी इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे हैं कि 16 का आंसर क्या है, 16 का आंसर बता चुके हैं 1858। 16 का आंसर, 16 जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो हमारा था वो 1858 था, 1858 था यानी बी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहां पे फिर से पूछ लिया गया कि खजुराहो के स्मारक कहां देखे जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 18 का फिर से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। हां, ताशकंद जो भी फल बात हो रही थी ताशकंद फाइल्स के नाम से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली में जंतर मंतर को इस महाराजा ने बनवाया था, तो स्टूडेंट पहले तो बात है जंतर मंतर की बात कर ले, तो जंतर मंतर की जब हम बात कर रहे हैं तो जंतर मंतर एक प्रकार की खगोल विद्या से संबंधित
एक प्रकार से हम कह सकते हैं या सूर्य घड़ी है। इसमें सूर्य की कैसे चाल है, कितना समय हुआ है, तो सूर्य की की गति के आधार पर आप कह सकते हो सूर्य घड़ियों का निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो दिल्ली में तो जंतर मंतर बना ही है, दिल्ली में तो जंतर मंतर बना ही है। इसके अलावा दिल्ली के अलावा उज्जैन, मथुरा, उज्जैन, मथुरा, जयपुर और वाराणसी, इन चार जगहों पर जंतर मंतर बनवाए गए थे। और ये सभी जंतर मंतर जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए, यानी इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ये जो जयसिंह द्वितीय हैं, इन्होंने ही जयपुर नगर की स्थापना भी की थी, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। हवा महल यहीं पे प्रसिद्ध है, यह हवा महल यहां का प्रसिद्ध आप कह सकते हो आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, कब सहमत हुई थी, तो स्टूडेंट इसका जवाब दीजिए। तो यहां पे घटना एक साथ में दी गई है 1944, 45, 46, 47। यदि यहां पे एक एक लाइन में बात करें तो यहां पे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1946। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव हुआ, अंतरिम गवर्नमेंट आई, अंतरिम सरकार आई। तो यहां पे 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। और घटनाएं यहां पे एक दूसरे से जुड़ी, जैसे बेबल प्लान हमारा 1945 में आ गया था, और 1945 में इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे, जिसमें इंग्लैंड के इलेक्शन में जो वहां के प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि यदि हम जीत गए तो हम भारत को आजाद कर देंगे। और कहा जाता है कि इन्हीं परिस्थितियों में बाद में कैबिनेट मिशन 1946 में लाया गया था। तो इसका आंसर 1946 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, की यदि हम बात करें तो भगत सिंह के साथ में असेंबली बम कांड, आपको बता दें असेंबली बम कांड की जब हम बात करते हैं तो 1929 में असेंबली बम कांड हुआ था, यानी जो हमारी केंद्रीय विधानमंडल है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें भगत सिंह और भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने केंद्रीय विधानमंडल में जाकर के वहां पर दर्शक दीर्घा में जाकर के जहां पे पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बहस चल रही थी उसी दौरान कुछ बम छोड़े गए, बम फोड़े गए, हथगोले जैसे बम थे छोड़े गए, और साथ में बहुत से वहां पे पंपलेट भी बांटे गए, और उस पंपलेट में साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इस तरीके से नारे भी लगाए गए। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप को वहां पर अरेस्ट कराया। और इसके बाद में कहा जाता है कि भगत सिंह की असली लोकप्रियता तब शुरू हुई जब वो जेल के अंदर थे। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई, यानी इनको काला पानी की सजा दी गई। तो स्टूडेंट जो काला पानी की सजा दी जाती है उसके लिए अंडमान निकोबार में सुल्लर जेल, अंडमान निकोबार में एक जगह है, या अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल बनी है, इसी जेल का नाम है सुल्लर जेल। और इस जेल में जिन लोगों को भेजा जाता था उनकी सजा को हम कहते हैं काला पानी की सजा, बहुत ही कठोर टाइप की सजा होती थी। बीडी सावरकर को भी जेल में रखा गया था। कहा जाता है इस जेल की काल कोठरियां बहुत छोटी हुआ करती थी, कोठरियों में हमेशा अंधेरा रहता था, लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो इस तरीके से बटुकेश्वर दत्त लंबे समय तक वहां पर रहे। बाद में देश आजाद होने के बाद में ये जब छूट गए तो उसके बाद में कहा जाता है कि ये आगे चल करके बिहार के इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और बिहार के असेंबली में इन्होंने भाग भी लिया था। बाकी यहां पे यदि हम बात करें, बाकी जो आपके ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान की हम बात करें तो अशफाक उल्ला खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के काकोरी ट्रेन डकैती
काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लिया था, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास, काकोरी एक जगह है तो वहां पे काकोरी में लखनऊ से सहारनपुर को जाने वाली एक मालगाड़ी में एक सूचना मिली इनको कि इसमें कुछ पैसा वगैरह है। तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान इन लोगों ने मिलकर के इस ट्रेन को लूट लिया था, जो इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से फेमस है, और बाद में इनको फांसी भी हुई थी। और ऑप्शन में जो आपके दिए गए हैं सूर्यसेन, यदि हम सूर्यसेन की बात करें तो अशफाकुल्ला खान काकोरी ट्रेन डकैती में इनको फांसी हुई थी, अशफाकुल्ला खान। और यहां पे दूसरा जो नाम है सूर्यसेन, तो सूर्यसेन के बारे में कहा जाता है कि सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, और आज का बांग्लादेश और उस समय का भारत का ही, यानी उस समय बंगाल के अंदर में एक जगह पड़ती थी चटगांव, जो आज बांग्लादेश में है। कहा जाता है कि चटगांव में एक आर्मरी, पुलिस आर्मरी, एक पुलिस शस्त्रागार था। उस पुलिस शस्त्रागार में इन्होंने अपने 65 स्टूडेंट्स को तैयार किया। इन स्टूडेंट्स में युवक और युवतियां दोनों थी। युवक और युवतियों को मिलाकर के इनको पुलिस की ड्रेस पहना करके मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में जो पुलिस शस्त्रागार था उस पर हमला किया और यहां के हथियारों को लूट लिया। बाद में सूर्यसेन को फांसी भी दी गई थी। और जो इसमें विकल्प दिया गया है रामप्रसाद बिस्मिल भी बिस्मिल के नाम से शेरोशायरी भी किया करते थे, और यह भी काकोरी ट्रेन डकैती में इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये लाइनें भी रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही कही गई थी, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद वाज कंप्लीटेड बाई, जो हैदराबाद की मक्का मस्जिद है वो किसके द्वारा उसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। तो स्टूडेंट यदि हम पहले तो आपको बता दें इसका नाम मक्का मस्जिद ही क्यों है। मक्का मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुसलमानों का जो पवित्र शहर मक्का जो सऊदी अरब में है, कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए मिट्टी मक्का से मंगाई गई थी और उसी मिट्टी से ईंटें बनाई गई, और उन्हीं ईंटों से जिस मस्जिद का निर्माण किया गया उसी का नाम है मक्का मस्जिद, जो हैदराबाद में है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी शुरुआत की थी 1616 में। 1616 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जब बाद में इसकी इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में इसका निर्माण कार्य अधूरा रह गया। आगे चल करके 1694 में औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1616 में, और बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की डेथ होने के बाद में इसके लगभग 77 ईयर के बाद, लगभग इसके 77 साल के बाद में औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट इसका हो जाएगा कि इसमें पूछा गया है कि निर्माण कार्य किसने शुरू किया था। और फिर से बता दें मक्का इसलिए भी कह रहे हैं कि मक्का से मिट्टी लाई गई थी और उसी मिट्टी से यहां पे उससे ईंटें बना करके उसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है कि 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन हुआ था, कहां पे हुआ था। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था, और एक व्यक्ति थे तारक नाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक एक मैगजीन की शुरुआत की थी। फ्री हिंदुस्तान नाम का एक उन्होंने मैगजीन की शुरुआत की थी। और आगे चल करके जब ये देश से, यहां पे ब्रिटिश सरकार ने इनके खिलाफ एक वारंट जारी किया, तो बाद में पुलिस से बच करके फिर ये अमेरिका में चले गए, और अमेरिका में जाकर के कैलिफोर्निया में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1907 में।
तो कलकत्ता में नहीं, कैलिफोर्निया में हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यहां पे इंडियन लीग की बात नहीं हो रही है, जब हम इंडियन लीग की बात करते हैं तो इंडियन लीग बनाई गई थी कलकत्ता में, यहां पे बात कर रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है, जब हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं तो यहां पे पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो यहां पे स्टूडेंट आपको बता दें कि 5 मार्च 1931 को, थोड़ा उठ नहीं जाएगी, 5 मार्च 1931 को जब हम बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। और इस गांधी इरविन पैक्ट में यह कहा गया था, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत से सत्याग्रही जेल में जा चुके थे, और उसी समय इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। तो यहां पे ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को भी शामिल किया जाए, इसके लिए इरविन ने गांधी जी के साथ में समझौता किया। कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी तो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए, लेकिन इसका एक दुर्भाग्य यह भी हम कह सकते हैं कि इस पैक्ट के बाद यानी 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या गांधी जी उस समय इतना मजबूत हो चुके थे कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी को क्या वो टलवा सकते थे। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि यह महात्मा गांधी पर आरोप लगता है कि जानबूझ करके उन्होंने, गांधी जी ने इनको नहीं किया था। अब हम यहां पर देखें तो कहा यहां तक भी जाता है कि जब गांधी जी इस गांधी इरविन पैक्ट के बाद में जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई तो उसके बाद में महात्मा गांधी कराची में गए थे, तो कराची में लोगों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, तब गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, यानी गांधी जी कहते थे कि हम अपने विचारों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 25 हु सर्वड एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा की थी। तो स्टूडेंट यहां पे इसका क्या जवाब हो जाएगा, हाँ इसमें जो है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में, तो इसका आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 25 में आ जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री, तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यहां तक भी कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, क्योंकि उन्होंने भारत की सभी रियासतों का एकीकरण किया और बाद में तत्कालीन सरकार के द्वारा इनको सम्मान देने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है नर्मदा नदी के किनारे 182 मीटर की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो स्टूडेंट महाराणा प्रताप का नाम के घोड़े का नाम तो बहुत ही फेमस रहा है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। और कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी वीरता दिखाई थी, और कहा जाते थे कि चेतक ने इनका काफी साथ दिया। एक बार तो युद्ध में घायल भी हो गए थे महाराणा प्रताप,
और बाद में चेतक उनको सकुशल वहां से निकाल भी लाया था और चेतक भी इस लड़ाई में घायल हो गया था। बाद में कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप का दुश्मन पीछा कर रहे थे तब रास्ते में एक बड़ा सा एक नाला जैसा था, उस नाले को चेतक ने पार कर लिया था और महाराणा प्रताप की जान बचा दी थी, लेकिन बाद में चेतक महाराणा प्रताप को सकुशल पहुंचाने के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। बाद में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने चेतक को सही तरीके से आप कह सकते हो उसका दाह संस्कार जैसा किया था। आज भी जो राजस्थान का राजसमंद जिला है वहां पर हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। चेतक इतना पॉपुलर हुआ इतिहास में कि एक हिंदी के विख्यात कवि थे श्याम नारायण पांडे ने किताब भी लिखी थी, एक कविता लिखी थी, उस कविता में उन्होंने जिक्र किया था कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, मौका मिले तो जरूर आप उसे पढ़िएगा या कभी हमें ही मौका मिलेगा तब आपको सुनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाकी इसमें बादल की बात कही गई है तो इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल घोड़ा, लक्ष्मीबाई का घोड़े का नाम बादल घोड़ा था। 27 की बात करें, कारला किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो कारला आपका महाराष्ट्र में है और यह अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के लोनावाला में सातवाहन शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, की जब बात कर रहे हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था डू आर डाई का, तो डू आर डाई का नारा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा ग्वालिया टैंक मैदान बंबई में दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक भाषण भी दिया था महात्मा गांधी ने, जिसमें कहा था कि मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि या तो देश की आजादी के लिए कुछ करो और नहीं तो जिंदा रहकर जरूरत क्या है। तो कुल मिलाकर करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, की बात करते हैं। कांग्रेस ध्वज को फहराने के लिए किसको याद किया जाता है, यानी यहां पे बात हो रही है कि जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में किया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज का फहराने का श्रेय अरुणा आसफ अली को जाता है। वैसे तो ये अरुणा गांगुली थी लेकिन इनके पति का नाम आसफ अली था इसलिए इनको अरुणा आसफ अली के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सतीश पाल पूछ रहे हैं उरई ब्रांच कब खुल रही है, जल्दी खुलेगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 की बात करते हैं तो कोणार्क मंदिर का निर्माण, हाँ क्वेश्चन नंबर 30, किसके सम्राट यानी सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे यह बात हो रही है, तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के। यहां पर आपको यह भी बता दें कि बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार के काफी लड़के थे, बाद में उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ भाइयों के बीच में तो बिंदुसार की जो डेथ हुई थी वो 273 बीसी में हो गई थी और बाद में 269 बीसी तक, यानी बीच का जो ये 4 साल का गैप है, इस 4 साल में वार ऑफ सक्सेसर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और इस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, इस तरीके का भी जिक्र मिलता है। बिहार में पटना में जो पटना के लोग रहने वाले हैं पटना के आसपास में, तो पटना में एक जगह पड़ती है अगम कुआं और इसी अगम कुआं में यह मान्यता है कि अशोक ने अपने भाइयों का कत्ल करके इसी अगम कुआं में डलवा दिया था। तो बिंदुसार के थे। तो स्टूडेंट्स आज हम 30 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हमारा सिर्फ यह उद्देश्य था कि NTPC के जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा है या ये जो क्वेश्चन है
ये फैक्चुअल है और इनका जो डायमेंशन है कहने के लिए इतिहास का जो टॉपिक है, लेकिन इतिहास में भी हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे, लेकिन एनटीपीसी को लेकर के जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वहां पे हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों का काम इतना ही है कि जिन लोगों को एग्जाम देना है दिसंबर में तो अभी से कमर कस लें, टाइम की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत यह है कि आप अपने आप को रेगुलर समय दीजिए। यदि आप 6 घंटे समय दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटा दे रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। मुद्दा सिर्फ यह है कि आप चाहे 4 घंटे पढ़ें या 6 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर आप पढ़ाई करते रहें, और जब रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे आप लोगों के लिए जो लोग पूरा टारगेट बना करके ये मान लें कि हमें 2 महीने में एग्जाम को क्वालिफाई करना है इसको, तो पूरा डेडिकेशन डिवोशन के साथ में लगे रहें, और उम्मीद करते हैं कि गैलेक्सी के माध्यम से भी और आप लोग अपने स्तर से जब आप लोग टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे या ऑनलाइन बैच में जब आएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। जीएस में आपको काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही मिल जाएंगे, बस आप सही तरीके से गाइडेंस आपको मिलता रहे और आप लोग भी मेहनत करते रहें। थैंक यू, और आप लोगों से बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। गुड नाइट।